नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज और मैं हूँ आपके साथ निधि सिंह। और अब खबर बॉलीवुड के गलियारे से। 2 अगस्त साल 2023 को आज डायरेक्टर नितिन देसाई ने कर्जत स्थित अपने एंड्रू स्टूडियो में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उन पर करोड़ों का कर्ज था, उनकी कंपनी भी दिवालिया हो गई। और नितिन देसाई की बेटी मानसी देसाई का आरोप था कि लोन देने वाली कंपनी एडलवाइस ग्रुप ने उनके पिता को झूठा आश्वासन दिया और फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, जबकि उनके पिता ने पैसे चुकाने का वादा भी किया था। यही नहीं, नितिन देसाई की पत्नी नेहा देसाई ने एडलवाइस ग्रुप के 5 कर्मियों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराया था और नितिन को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप भी लगाया था। कंपनी के MD को समन भी भेजा गया और जब एडलवाइस ग्रुप ने एक स्टेटमेंट जारी कर इन आरोपों को खारिज कर दिया है और उन्होंने कहा कि एडलवाइस ग्रुप की तरफ से जो स्टेटमेंट निकलकर सामने आया है उसमें कहा गया है कि कुछ गलत फहमियों को दूर करने के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि नितिन देसाई की कंपनी को थीम पार्क और वर्किंग कैपिटल बनाने के लिए 2016 और 18 में वित्तीय सहायता दी गई। कंपनी को 2020 से वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वित्तीय हालात सुधरने की सारी कोशिशें भी उनका फेल हो चुकी थी। इसकी वजह से 2022 में कंपनी को NCLT में भेजा गया था और जुलाई 2023 में NCLT में उन्हें भर्ती कराया गया था। नितिन देसाई पर दबाव डालने वाले कंपनी का आरोप था कि नितिन देसाई पर बार बार पैसे चुकाने का कंपनी दबाव दिया जा रहा था और इस पर कंपनी ने कहा कि एडलवाइस ARC के और RBI द्वारा अनिवार्य सभी कानूनी प्रक्रियाओं पर पालन किया और कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया, न ज़्यादा ब्याज वसूला और न ही वसूली के लिए उधारकर्ता पर किसी तरह का दबाव भी डाला गया। हमने कानून के दायरे में रहकर बहुत ज़्यादा पैसे और समय खर्च करके सारी प्रक्रियाओं का पालन भी किया। हम अधिकारियों द्वारा ऐसी दुखद घटना की जांच करने की आवश्यकता का सम्मान करते हैं और जांच प्रक्रिया में पूरे सहयोग करेंगे। हमें विश्वास है कि आखिरी में निष्कर्ष निकलने के लिए हमें कानून का पालन किया है। और एडलवाइस ग्रुप ने नितिन देसाई के निधन पर शोक जताया और उनकी फैमिली के लिए संवेदना व्यक्त की है। आपको बताते चले कि नितिन देसाई की बेटी ने महाराष्ट्र सरकार से पिता को न्याय दिलाने की अपील की थी और नितिन पर 181 करोड़ का कर्ज था, जिसमें से नितिन ने 86.31 करोड़ रुपए चुका दिए थे। तो ये थी आज की बॉलीवुड की खबरें। तो फिलहाल बने रहे हमारे चैनल के साथ। ऐसी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।